नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूं जलगांव के गणपति कोविड अस्पताल में, एक ऐसा अस्पताल जो अक्सर चर्चाओं में रहा करता है। आज फिर से चर्चा में है क्योंकि उत्तर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट यहां पे लगाया गया है। कई बार ऐसा देखा गया है और यही देखा ही गया है कि ऑक्सीजन के लिए कोई लिक्विड आता है वो हमको प्लांट में डालना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने व्यवस्था की है उसके जरिए हवा से ऑक्सीजन लेगा, उसको अलग करेगा ताकि मरीजों को कोई परेशानी नहीं हो। जलगांव समेत उत्तर महाराष्ट्र के सभी मरीजों के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर एक ऐसा अस्पताल है जो खुद ऑक्सीजन जनरेट करेगा। हमारे साथ अस्पताल के कल्पेश जी गांधी हैं, शीतल जी ओसवाल हैं, इनसे जानकारी लेते हैं कि किस तरीके से काम करेगा। सर, ये जो आपने प्लांट लगाया है इसकी फैसिलिटीज क्या है, खासियत क्या है? अभी जैसे कि आपको सबको पता है कि कोविड 19 का जो पैंडेमिक चल रहा है, आज पिछले एक महीने से पूरे महाराष्ट्र में ऑक्सीजन सिलेंडर का बहुत शॉर्टेज हो रहा है। और जैसे कि पेशेंट एडमिट होते हैं और अगर ऑक्सीजन की कोई शॉर्टेज हो गई तो ये काफ़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो हमने वही सोच कर ये निर्णय लिया हमारी टीम ने कि क्यों ना एक अस्पताल में अपना सेपरेट ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट हो, जो कि अपनी डिपेंडेंसी बाकी लिक्विड ऑक्सीजन से कम हो जाए और अपने मरीजों को अनइंटरप्टेड ऑक्सीजन सप्लाई मिले। सबसे इम्पॉर्टेंट है अनइंटरप्टेड ऑक्सीजन सप्लाई ये देता है, जिसमें कि अपने को बार बार ऑक्सीजन सिलेंडर चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। सर, उत्तर महाराष्ट्र में या फिर जलगांव शहर की ही बात करें, अगर जिले में कहाँ है और ऐसी सुविधा? ये जो 4 लाख लीटर का इसका जो उत्पादन है एक 24 घंटे में, इतना बड़ा यूनिट अपने पूरे नॉर्थ महाराष्ट्र, नासिक, जलगांव, धुलिया, नंदुरबार में कहीं पे भी अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ है। हमारे साथ कल्पेश जी गांधी भी हैं जो दूसरे अस्पताल से अभी अभी यहाँ पर आए हैं। सर, यहाँ की फैसिलिटीज देखकर आपको क्या लग रहा है, किस तरीके की प्रैक्टिस रहेगी आपकी? यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि टीम बहुत अच्छी है, सारे स्टाफ कोऑपरेटिव है और सबसे अच्छी बात ये जो प्लांट लगा है, प्लांट की वजह से अनइंटरप्टेड ऑक्सीजन सप्लाई होने वाला है। जैसा कि अभी आप सबको पता होगा, सीएम ने बोला है कि हम ऑक्सीजन का वार्ड में जो पेशेंट रहेंगे उनको ऑक्सीजन हम लिमिटेड रखेंगे और जो पेशेंट आईसीयू में रहेंगे उनको ऑक्सीजन हम लिमिटेड रखेंगे, बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर एक पेशेंट अलग होता है, हर एक पेशेंट की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है। लिमिटेड ऑक्सीजन इज नॉट अ आंसर, तो हमारे पास जो प्लांट है उसके वजह से ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। देखिए, इस चीज़ों से ये बात तो साफ हो गई कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। बगैर ऑक्सीजन के बहुत सारी समस्याएं जो आया करती है वो इस अस्पताल में नहीं आएगी। ओसवाल साहब, एक कल परसों के दिन अखबारों में और बाकी जगह पोर्टल्स में एक शिकायत थी कि कोई मरीज है जिसको पैसे की वजह से डेड बॉडी नहीं दी जा रही थी, इसका थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि क्या था मामला। देखिए कि कोविड 19 में जब कोई किसी की मौत होती है तो इसके गवर्नमेंट ने कुछ नॉर्म सेट किए हुए हैं। शाम को 6 बजे के बाद में डेड बॉडी हस्तांतर नहीं की जा सकती एज पर नॉर्म्स। सेकेंड, जब तक वहाँ पे स्लॉट नहीं होता है वैकुंठ धाम में तब तक भी बॉडी नहीं आप हैंड ओवर कर सकते। आज तक गणपति हॉस्पिटल ने पैसे के लिए कभी भी ऐसा काम नहीं किया है। जैसा कि अभी शीतल जी ओसवाल ने बताया कि पैसे के लिए गणपति अस्पताल कभी भी इस तरह की जो बातें हैं वो नहीं किया करता है। फिलहाल तो मरीजों के लिए कोरोना में जो चीज़ जरूरी है वो है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ सही ट्रीटमेंट करने के लिए तज्ञ अस्पताल में डॉक्टर्स का होना जरूरी है जो गणपति अस्पताल में मौजूद हैं। हम आशा करते हैं कि गणपति अस्पताल जो सेवाएं लेके शहर वालों के लिए आया है वो शहर, जिला और राज्य को भी कहीं ना कहीं मदद करेगा। जलगांव से आनंद शर्मा, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। शुभ मंगलम सर्व मंगलम नक्षत्र मंगलम अलंकार मंगलम। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, भारत वर्ष का स्वर्ण तीर। हे गाइस,